अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम जो हो रहा ना, अभी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ गया था और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन जो है अच्छी कर रहा हूँ और सुबह जल्दी जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रात को जल्दी नींद आए और सुबह मैं जल्दी उठूँ। और थोड़ा सा ना एक दिन जो होता है आधा दिन तो गुजर जाता है जब मैं उठता हूँ, इसलिए जल्दी उठूँ ताकि दिन जो है हमारे पास सारा बाकी हो और अगर हमने कोई व्लॉग वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास वाफर टाइम हो। तो इसलिए अभी मैं आया था छत पे चूज़ों को दाने वगैरह डालने के, दाने तो मैं खैर खत्म हो गए, मूलियों के पत्ते लेके आया था बाजार से वो डालने के लिए। वैसे सुबह से पहले मैंने आटा डाला था तो आटा उन्होंने खाया नहीं, फिर बाद में थोड़े से सामान भी पत्ते लेके आ गए थे वो डाल लिया, तो फिर बाद में मैं लेके आया तो वो डाल दिए। तो अभी बाहर ही ये घूम फिर रहे हैं, तो वैसे तो मैंने डाले हुए अंदर लेकिन अभी इतने शोर से खा नहीं रहे, शायद सुबह से ना खा खा के अब रज गए हैं तो इसलिए खा नहीं रहे। अभी ऐसा है कि जो ना मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, एक तो ब्लॉगिंग की टेंशन ले लेकर ना, तो मैंने हर चीज़ ही छोड़ दी है, ब्लॉगिंग भी छोड़ ही रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं ये ब्लॉगिंग नहीं छोड़नी, लेकिन ये एक दो दिन बाद ना ब्लॉग लाजमी मैं कोशिश करा करूँगा डालने की, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो बस डाल लिया करेंगे। तो आप बस यही है जाते रहें, लेकिन जब कभी मौका मिला ना इंशाल्लाह ताला कहीं पे टूर करने का, कहीं पे जाने का, कहीं अच्छा व्लॉग बनाने का, तो लाजमी अच्छा व्लॉग बनाएंगे और लाजमी वो बनाएंगे और डालेंगे। तो फिलहाल ऐसे ही, तो अभी मैं सोच रहा था कि अपनी ना एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट करने का क्योंकि मैंने छोड़ दी हुई है, तो वो बस प्लानिंग हो रही है कि आज स्टार्ट करूँ कल करूँ आज करूँ आज करूँ कल करूँ, तो यही प्लानिंग चल रही है कि कब जो है मैं अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मेरे रूम की वैसे सफाई भी होनी थी वो मैंने की नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि आज स्टार्ट कर दो, अगर कल कल करता रहा ना तो फिर मुझे महीना गुजर जाएगा और एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज वो भी प्रॉपर तरीके से, पहले मैंने महीना पहले आपको दिखाई थी कि मैं सारी एक्सरसाइज एक ही दिन जाने के लिए रोज़ाना जो है सारे मसल्स को मैं कवर करता था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक दिन एक मसल को कवर किया करेंगे और अपनी रूटीन बनाएंगे ताकि हम डेली जो एक्सरसाइज करें और लंबी देर तक एक्सरसाइज करें ताकि कोई बॉडी को पता भी चले कोई कि बंदा कोई चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैसे मेरा जो पेट है पहले तो काफ़ी ज़्यादा बाहर था लेकिन अब फिर कुछ ना डाइटिंग कर करके अंदर चला गया, तो इसे और कोशिश करेंगे ताकि ये चर्बी वगैरह ना ये इतना हाथ में आ रही है तो ये ना आए, तो इसलिए वो भी कोशिश करें। तो एक टायर मैंने यहाँ पे रखे थे संभाल के, एक वो टायर तो वो तो कुछ ज़्यादा गंदा हुआ, ये मुझे कुछ साफ लग रहा है तो इसे आज नीचे ले जाएंगे। तो इसे मैं क्यों नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास पड़ा है फट्टा, तो वहाँ पे करनी होती है चेस्ट की एक्सरसाइज लेट के, तो उसके लिए थोड़ा सा इंक्लाइन के लिए करने के लिए तो ये टायर जो है मैं साथ ले जाऊँगा। तो अभी इसे उठा लेते हैं चकड़े, वैसे तो अगर देखा जाए इस टायर के साथ हम बॉडी भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वजनी टायर है, तकरीबन मेरे ख्याल में होगा ये 1-2 किलो का तो होगा, इसके साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भारा है। तो वैसे तो मेरे पास डंबल है लेकिन ये टायर तो दूसरे काम के लिए लेके जा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी की जा सकती है इस टायर के साथ। पहले मैंने सोचा था कि आज ना सुबह जब मैं उठा था व्लॉग स्टार्ट कर दूँ और सारा दिन अपना ये वाला कैमरा मैं बंद ना करूँ, जो भी करूँ तो वो आपको दिखाऊँ, लेकिन ना मैंने कहा करने को था ही कुछ नहीं, ये मेरा हाथ काला हो गया टायर के साथ, तो टायर धूप में पड़ा पड़ाना, अभी इसके रंग जो उतर रहा है तो मेरा हाथ जो इतना काला कर दिया, क्योंकि खैर इसे अब बस इसी तरह रख लेंगे। तो मैं यही बता रहा था कि मैंने सुबह से सोचा था कि मैं अपना व्लॉग जो कैमरा है वो रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा और जो करता रहूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन इतना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थी नहीं करने को, तो इसलिए मैंने फिर कैमरा ऑन ही नहीं किया, तो मैंने कहा आप ब्लॉग कर लेते हैं कुछ जो 4-5 मिनट का बन गया और आपको अच्छा लगे तो वो कोशिश कर लेते हैं बनाने की। तो अभी फिलहाल मैंने चूज़ों को अपने को जो अब मुर्गियाँ बन गई हैं माशाल्लाह तो उन्हें खुला छोड़ा हुआ है ताकि वो बाहर से कोई चीज़ खाने पीने वाली उन्हें मिले तो वो खा ले, और वैसे भी थोड़ा सा बाहर जो है वो सैर वगैरह कर लें, तो मैं इन्हें चाह रहा था कि पूरी छत घुमा करें। तो वैसे कल ना यहाँ पर आपको ईंट पड़ी नज़र आ रही है ना, तो ये ईंट मैंने क्यों रखी है, तो एक वीडियो होगी इधर या इधर चल रही होगी, तो यहाँ पे चूज़ा मैंने कह दिया चूहा, वैसे उन्हें भी मैं चूहा कहा करता था लेकिन यहाँ पे असल चूहा जो है ना वो था इतना बड़ा चूहा, तो यहाँ पे कहीं पे वीडियो चलेगी तो वहाँ पे था तो वो अंदर चला गया, तो फिर मैंने ऊपर जो है ईंट रख दिया ताकि वो बाहर ना आए, तो मुझे डर था मैंने चूज़ों को ना ये नुकसान ना पहुँचाते चूहा, इसलिए मैंने वहाँ पर ईंट रख दी है ताकि ये बाहर ना आ सके। वैसे ना एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत सारे मैं ऐसे देख रहा हूँ जो गाँव के ब्लॉगर्स हैं ना, तो जो कि सियालकोट वाली साइड के गाँव जहाँ पे मुबशर सदीक है, जैनुलाब्दीन है,
इस तरह के गांव के जो लोग हैं, तो उस गांव के लोग जो है यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा रहे हैं। तो उनमें से एक जुहेब पेंडू है, तो एक जो है जैनुल आबदीन का फ्रेंड है, और उस तरह उनके और भी कुछ जो यार दोस्त हैं जानने वाले हैं, तो वो सारों के यूट्यूब चैनल्स वो चले हैं। तो एक यूट्यूब चैनल कल मेरी नज़र में आया, तो उस लड़के ने तकरीबन 15 दिन पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो उसके 7,000 जो है सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और 8,000 से ऊपर उसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने साल लगा दिए इस चैनल के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा टूर्स किए हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी 250 300 तक, अभी 300 भी नहीं हुए। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा फॉल्ट है इसमें कि किस चीज़ का फॉल्ट है। तो जो भी फॉल्ट है, लेकिन इतने तो मैं डिज़र्व करता था कि यार मेरा कोई 1,000 तो ऊपर हो, क्योंकि साल लगाया मैंने, लेकिन बस क्या करें, मेहनत बहुत की है लेकिन अभी तक फल नहीं मिला। तो अभी इसी फल की तलाश में कोशिश है कि लगा रहूं, और देखते हैं कब तक लगे रहते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि लगा रहूँ। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीसरे दिन तो व्लॉग आएगा इंशाल्लाह ताला, कोशिश लाजमी रहेगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये भी फटा यहाँ पे ना, ये वाला फटा भी यहाँ पे पड़ा है, तो ये भी नीचे ले जाऊँ। अभी फ़िलहाल लेकर चलेंगे, मेरे कमरे में जो है गंद डल जाएगा, तो अम्मी जी बोलेंगे ये क्या गंद डाला हुआ है अपने कमरे में। तो अभी फ़िलहाल अपनी एक एक्सरसाइज का जो है प्लान बनाते हैं, तो वो प्लान जब बन जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, फिर सारा सामान जो है वो नीचे ले जाएंगे, वो दूसरा टायर भी ले जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ना पहले अपनी रूटीन बना लूँ मैं कि एक्सरसाइज करनी है, तो आज पता नहीं मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। टायर तो मैंने उठा लिया, अब इसे नीचे ले जाएंगे, तो कोशिश करूँगा आज हल्की सी एक्सरसाइज करूँ, ताकि बॉडी को थोड़ा सा पता हो कि यार मुँह लड़का ना एक्सरसाइज करने लगा है। सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो मौसम भी एक्सरसाइज वाला है। तो दोस्तों कह रहे थे जिम आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जिम नहीं तो घर में ही करेंगे। जिम भी कभी करेंगे इंशाल्लाह ताला, पहले भी जिम किया करता था लेकिन अब दिल नहीं करता जिम जाने को। तो अभी फ़िलहाल गल स्टार्ट करेंगे, तो फिर देखेंगे कभी मूड हुआ तो जिम भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी घर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी ये टायर मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लूँ कि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं ना छुपा हुआ, किसी पता बाद में चले कि मेरे कमरे में कीड़े मकोड़े पहुँच गए। अभी ये टायर ना एक मरतबा चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही वैसे तो मुझे फ़िलहाल, ये बस मिट्टी सी है, तो ये अभी पता नहीं कैसे चलेगी, बाकी ठीक है। वैसे ना अभी अभी मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो वो इतना वो कह नहीं सकते कि मैं कर सकूँगा पूरा कि नहीं कर सकूँगा। वैसे भी एक आइडिया था कि ये जो छत है ना हमारी, तो इसके ऊपर तकरीबन एक कमरे जितनी छत है, कमरा भी तकरीबन काफ़ी खुला डुला है, तो मैं सोच रहा था इसके ना पर्दे वगैरह करके ऊँचे ऊँचे से, तो होते ना जो बांस के साथ भी करते हैं पर्दा, तो वो वाला पर्दा हो जो बांस के साथ जो बैम्बो के साथ बनाता है, तो वो सारा पर्दा किया जाए, तो उसके ऊपर जो है अच्छी खासी ना पैसा लगेगा वैसे, लेकिन ऊपर घास लगाई जाए ग्रीन घास लगा के, और लाइटें वगैरह छैटें लगा के ऊपर, जो कि वाटर प्रूफ चेयर्स वगैरह हों, जैसे कि वही बांस की बनी हुई चेयर्स, तो वो वहाँ पे ऊपर बंदा रखे हो, एक टेबल रखा हो, तो फ्रेंड्स वगैरह के बैठने के लिए जगह बनाई हो। वैसे घर में ऐसी जगह बना नहीं सकते, बना भी सकते हैं अगर पैसे हो ना, तो बस यही है कि ऊपर लाने के लिए ना फ्रेंड्स को घर के अंदर में से लाइक आना पड़ेगा, लेकिन बंदा यहाँ पे वो चीज़ बनाता था, अपने लिए भी बनाता था वैसे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी इतने बजट नहीं है, बजट काफ़ी ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला जब अगर कभी यूट्यूब चैनल चलाना तो ये आइडिया पे अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर सारी समुद्री नज़र आया करेगी, तो रात के वगैरह एक अच्छा मंजर बन जाएगा, हवा भी ठंडा माहौल होगा। तो ये अभी आइडिया आया था मेरे बेटे मेरे जहन में, मैंने कहा चलिए आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, और आप बताइएगा कैसा आइडिया था कैसा नहीं था। चलो भाई अंदर चलो अंदर चलो, टाइम खत्म हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया, चलो भाई चले जी अभी चलते हैं नीचे, और अभी मैं टायर जो है वो उठा लूँ अपना। चलिए जो हमारा जिम है वो रेडी हो गया, तो वो नीचे टायर रख दिया, ऊपर मैंने पट्टा रख दिया, तो इसलिए मैंने टायर नीचे लेके आया था,
तो अभी जो है यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो यूनिफॉर्म मैंने आज धोने के लिए दिया था, अभी देख लेते हैं सूख गया तो ठीक है तो वो पहन लेते हैं, फिर मैं चेक कर लूँ सूखा कि नहीं सूखा। गीला ही अभी, तो ये शर्ट सूख गई है, ये अभी गीला ही है तो शर्ट उतार लेते हैं, ये सूख गई है। यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया, और नीचे निकर जो थी मेरे पास एक धुली हुई पड़ी थी तो वो निकर मैंने पहन ली है, और ये शर्ट सूख गई थी ये पहन ली है, तो अभी कर लेते हैं फिलहाल एक्सरसाइज, तो आपको एक्सरसाइज के बाद ही मिलेंगे फिर ओका। फिर एक्सरसाइज भी कर लिया मैंने, तो आज तकरीबन आधा घंटा हो गया एक्सरसाइज करने को, अभी भी कर रहा था थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन अभी जो है लाइट चली गई है तो एक्सरसाइज यहीं पे खत्म कर देते हैं आज भी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है तो मसल जो है वो पंप हो गया। आज वैसे मैंने चेस्ट की लगाई है, कल इंशाल्लाह ताला बाइक की लगाऊंगा, तो फिर ऐसा 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 इसी तरह का रूटीन बनाते हैं, तो अभी फिलहाल जो है कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। इधर तो आ, घर में आ गया, घर में आ गया, डर गया डर गया, चला जा। और मुजफ्फर या काला मैनू आ नहीं है कि मतलब कि काल नहीं जा करता। ਆਹੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਕਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ 8:30 ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਲੈਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲਾ, ਠੰਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ। मरी वो मशहूर है बंदर, आज दिल कर रहा था जलेबियां खाने का, तो इसलिए हम जलेबियां भी साथ ही लेके आए। झूठा झूठा, मैं पशुला दित्ता पैसे कने दित्ते, मैं दित्ते सबूत तू दे, मेरे को जलेबियां जलेबियां मेरे को आ सबूत आ, हां तो जलेबियां ने मैं दित्ते, मैं हां हुंद हुंद दस मानदा, मैं जलेबियां भूख लगी है, हैं चल कड्डो खाओ 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 कड्डो कड्डो पैसे लगे जा खाला मर खा गया। चलो भाई चलो भाई मलक साहे ओका, फिर आ मोटरसाइकिल फड़ा के मैं मोबाइल फड़ा छोड़ दे मोटरसाइकिल ओका फिर ओके अल्लाह भाई ओके ना अल्लाह इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा जी ये होगी शर्ट, और इसे करते थे यहाँ पे, ये शलवार कमीज है और ये शलवार कमीज नीचे रखनी थी ऊपर लेके आ गए, चलो खैर इधर ही रख देते हैं इसे भी, और ये भी शलवार कमीज, चलो भी ठीक है बंद हो जा। अब ये वाला एक्सरसाइज का सारा मैंने इधर ही पड़ा रहने दिया था, तो अभी इसे भी उठा देते हैं ये फट्टे को, तो इस फट्टे को यहाँ से उठा के यहाँ पे पीछे धकेल देते हैं। चलो भाई, और डंबल जो है वो यहाँ पे टाई रख देते हैं और इसके अंदर कर देते हैं डंबल्स को। अभी बैठ के ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आपको आज वाला जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।